हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी। लेकर आ गया हूँ एक और जबरदस्त कॉलेज का रिव्यू। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि टॉप एनआईटीज के रिव्यू बनाओ, जिसमें मैं तिरची का रिव्यू ऑलरेडी कवर कर चुका था। आज हम करने वाले सेकंड टॉप मोस्ट एमटेक के लिए फेमस एनआईटी का रिव्यू, जिसका नाम है एनआईटी सूरतकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। 1960 के अराउंड यहाँ पर एक कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे इसको बाद में एनआईटी सूरतकल बना दिया गया। ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोग जानते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं 12th में पढ़ता था, तब चार एनआईटीज का नाम बहुत ज्यादा मेरे को सुनाई देता था, जिसमें टॉप मोस्ट नाम था वारंगल का, जो कि अभी भी मेंटेन्ड है। बट एमटेक के लिए जिस तरीके से हमने देखा है, तो एनआईटी त्रिची को हम नंबर वन प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद हम एनआईटी सूरतकल को सेकंड नंबर की प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का कैंपस कितना बड़ा है। तो यहाँ का कैंपस करीब 290 एकड़ का है। ये जो कैंपस है, ये दो भाग में डिवाइडेड है। 70% कैंपस एक साइड है हाईवे के, और 30% कैंपस एक साइड है हाईवे के। जो हाईवे निकलता है वो NH-17 निकलता है यहाँ पे। और आपको बहुत ज्यादा जान के खुशी होगी कि यहाँ पर इनका खुद का एक पर्सनल बीच है, जिसका बोलते हैं एनआईटी के बीच। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक भी लोग आ सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए जो रोड जाता है वो कॉलेज के अंदर से ही जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट आना चाहते हैं कि भाई अब मेरा एडमिशन हो गया है, सूरतकल में पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, या तो आप क्या कर सकते हैं, मैंगलोर स्टेशन आ सकते हैं ट्रेन के थ्रू, मैंगलोर स्टेशन से बस के थ्रू आप कैंपस आ सकते हैं, या फिर सूरतकल जंक्शन। पहले मैंगलोर जंक्शन आ जाइए, सूरतकल जंक्शन थोड़ा छोटा है, वहां से सूरतकल जंक्शन के लिए बस, मतलब कोई भी ट्रेन ले लीजिए, फिर आप बस ऑटो कार कुछ रिजर्व करके आ सकते हैं, बहुत ही पास पड़ जाता है कैंपस वहां से। फिर एयरपोर्ट के लिए भी आप मैंगलोर एयरपोर्ट ले सकते हैं, फिर उडीपी करके एक जगह है, यहाँ से उडीपी के थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये थी आसान भाषा में यहाँ पर आया कैसे जाए कैंपस के अंदर। बस के बारे में बताऊं, कैंपस में थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर रहता है, छाता अपना लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक बारिश होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, यहाँ पर ठंड का नामो निशान नहीं है। क्लाइमेट थोड़ा है, मतलब ह्यूमिड रहता है, क्योंकि बगल में अरेबियन सी बना हुआ है। लेकिन मजा इतना ज्यादा आता है ना, क्योंकि कैंपस बना है इतना सुंदर, वो भी समुद्र के किनारे। अब बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट टॉप एनआईटी है, तो इसी वजह से है, क्योंकि रिसर्च में, पढ़ाई में, लैब्स में, हर जगह ये नंबर वन है। बात करूं पढ़ाई की, तो पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी होती है, प्रोफेसर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर लैब्स की बात करें, तो लैब्स को बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी दी जाती है, आप जाइए लैब्स में काम करिए। आपका अगर प्रोजेक्ट है, तो कोई आपको रोकना टोकना नहीं होने वाला है यहाँ पर इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अटेंडेंस की। अटेंडेंस दो टाइप की होती है, स्टाइपेंड के लिए अटेंडेंस होती है, वो बायोमेट्रिक के थ्रू होती है, बायोमेट्रिक करके आओ, अगर नहीं करोगे तो उस दिन का जो स्टाइपेंड का पैसा है वो ऑब्वियसली कट जाने वाला है। ये जनरली हर एनआईटी में होता है, कहीं कहीं पर सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद एक और बात, अटेंडेंस क्लास की, तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो मैं कहूंगा कि अपनी अटेंडेंस को पूरा करके रखिए, अगर आप एनआईटी के में एमटेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है ना, वो तीन तरीके के हैं। पहली बात, आप एमटेक यहां पर कर सकते हो, दूसरा एमटेक रिसर्च में एडमिशन ले सकते हो, लो गेट स्कोर के लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी निकली है वो निकली है सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक, मतलब आप क्या करना है, आपको गेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, विदाउट गेट आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा एमटेक प्रोसेस के अंदर। कर लेते हैं ईएस और गेट की प्रिपरेशन की। बहुत सारे लोगों का मन होता है कि क्या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं एमटेक में, और अपने पीएसयूज के लिए या टेक्निकल एग्जाम्स के लिए चांस ले सकते हैं। बट क्या है, अब आपको ऑफलाइन क्लास तो कोई प्रोवाइड होने वाली नहीं है, और ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर्स, ईएससी के दो नए बैचेस लेकर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बैच है मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए। यहाँ पर जो फैकल्टीज पढ़ा रही है वो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी है। जिन फैकल्टी मैकेनिकल की अगर आप फैकल्टी को देखेंगे, तो मैं आप बताऊं, इन्हीं फैकल्टी से मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर गेट और ईएस की प्रिपरेशन की थी, और अब आपको ये अनअकैडमी पर ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सिविल की फैकल्टीज देखेंगे, सारी इंडिया की टॉप मोस्ट फेमस फैकल्टीज है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इन बैचेस को जाइए, अनअकैडमी वेबसाइट की जो लिंक वगैरह है वो सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए पहले एक बार विजिट करिए, जरा कोर्स वगैरह के बारे में देख लीजिए कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। हाँ, मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ, यहाँ पर जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही टॉप मोस्ट फेमस फैकल्टीज हैं इंडिया की। जैसे यहाँ पर आप मैकेनिकल में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे खुश रहो सर आ गए हैं अनअकैडमी पर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है।
क्योंकि मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा यहाँ पर कोड यूज कर सकते हो, दैट इज सिड 12334। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन में हमारा कोड, तो आप ये कोड को अवेल करके यहाँ पर बढ़िया सा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट है तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब हॉस्टल वगैरह की, कि हॉस्टल वगैरह कैसा है, मेस वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर एमटेक के लिए एक सेपरेट हॉस्टल है जो कि पिछले साल तक फर्स्ट ईयर के लिए एक रिजर्व होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लड़के तीन लड़के भी एक रूम के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नई एक बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत ज्यादा कमरे हैं, तो मे बी शायद एमटेक के स्टूडेंट्स को लिए अलॉट करा दी जाए। मैस वगैरह क्या है, हर मैस जो है वो हॉस्टल के नीचे बनी है। आप दूसरे हॉस्टल की मैस में भी खाना खा सकते हो, बट लोग प्रेफर नहीं करते। अगर अच्छा है तो आप प्रेफर कर लीजिए, नहीं तो लोग जनरली अपने हॉस्टल की मैस के नीचे खाना खाते हैं। अब बात कर लेते हैं कैंटीन कैफेटेरिया वगैरह की। तो कैंटीन कैफेटेरिया काफी सारे हैं कैंपस के अंदर, तो आपको मिल सकते हैं। कैंटीन भी कैंपस के अंदर खुली हुई है जो रात के 2-3 बजे तक चलती रहती है। रेस्टोरेंट की वगैरह की बात करें तो कैंपस के बाहर आप जाओगे तो वहां पर रेड रॉक करके 2-3 रेस्टोरेंट अच्छे से बने हुए हैं, तो आप वहां पर जाके खाना खा सकते हो। करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट, आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ कैंपस के अंदर मिल जाने वाली है। यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस की लिस्ट आप पूरी देख सकते हो। आप ब्रांचेस की तरफ एक बार देख लीजिए कि एमटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो वाटर रिसोर्स एंड ओशियन इंजीनियरिंग के अंदर मरीन, रिमोट सेंसिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट के साथ मैं बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। सिविल में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल, जियोटेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन। कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो पावर एंड एनर्जी सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, बहुत अच्छी ब्रांच है। VLSI कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग एंड IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक और ब्रांच है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन साइंस के अंदर लगती है CDS ब्रांच, बहुत टॉप क्लास ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिजाइन, मेगाट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो प्रोसेस मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी यहाँ पर ब्रांचेस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या TA ड्यूटी लगती है बच्चों की, जैसे 12,400 जब स्टाइपेंड मिलता है तो उनकी टीचर असिस्टेंट सिर्फ ड्यूटी लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर TA ड्यूटी के बारे में, यहाँ पर कोई भी TA ड्यूटी नहीं होती है। यहाँ पर हॉस्टल में जो रूम्स वगैरह हैं वो किस तरीके से होते हैं, फैसिलिटीज क्या क्या है। रूम्स वैसे आपको बेसिक सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, रूम काफी अच्छे हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्बल वगैरह लगा हुआ है, रूम बिल्कुल चकाचक है। वॉशिंग मशीन वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह के लिए आपको यहाँ पे धोबी लगाना पड़ेगा, बाकी सारी बेसिक नीड आपकी यहाँ पर हॉस्टल के अंदर पूरी हो जाने वाली है। बहुत ही ज्यादा हरा भरा रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है, तो मैं आशा करता हूँ कैंपस में तो बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की तरफ। प्लेसमेंट के लिए हमारी मैम ने यहाँ पर प्लेसमेंट एनालिसिस पूरी की पूरी NIT सूरतकल की इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स का बना रखा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो प्लेसमेंट एनालिसिस पिछले साल का है। पिछले साल कोरोना आ गया था तो बहुत सारी कंपनी प्लेस करने से बच रही थी, रुक रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, प्लेसमेंट थोड़ा खराब था। बट अभी इस साल का जो प्लेसमेंट है वो पिछले साल से बेहतर है और अभी चल रहा है। बट मैं ये बोलूंगा प्लेसमेंट के लिए अगर आपको प्रेफरेंस रखनी है तो आप पहली प्रेफरेंस NIT तिरछी को रखिए, उसके बाद NIT सूरतकल को रखिए, क्योंकि NIT तिरछी एमटेक में बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट देता है। ओवरऑल उनकी हर ब्रांच के अंदर 70-80% प्लेसमेंट हो जाते हैं। उसके बाद आप NIT सूरतकल को प्रेफरेंस दे सकते हो, इसके साथ साथ NIT वारंगल को प्रेफरेंस दे सकते हो, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए आप NIT कैलीकट को प्रेफरेंस दे सकते हो। मेरे साइड से एक ये एडवाइस रहेगी। आशा करता हूं मैंने यहाँ पर पूरी एमटेक स्टूडेंट लाइफ कवर कर ली है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मेरे यार सब्सक्राइब नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है, इतने कम सब्सक्राइबर है हमारे, इतने अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग ला रहे हैं। यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बटन को दबा दो, ठीक है। बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।